हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आज मैं आपको बताऊंगा वाटर रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट इन फ़ोटोशॉप। तो सबसे पहले आप फ़ोटोशॉप ओपन कर लें। फाइल मेनू में जाके ओपन करेंगे। मैंने ये इमेज ओपन कर ली है और यहाँ पे लॉक लगा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस पर हम नाम दे देंगे ओरिजिनल और ओके कर देंगे। आप देख रहे हैं लॉक भी इसका हट चुका है और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे हम कंट्रोल जे के साथ और इसे हम नाम दे देंगे फ्लिप फ्लिप वर्टिकल और एंटर मार देंगे और इसे नीचे रख लेंगे। और यहाँ से इमेज सेटिंग में इमेज मेन्यू में जाएंगे हम, कॉनवेक्स साइज़ आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो इसकी हाइट है वही सेम हाइट यहाँ पे हम लिख देंगे। आप देख सकते हैं मैंने सेम हाइट उसकी यहाँ पे लिख दी है और रिलेटिव कर देंगे। दोस्तों रिलेटिव से ये होगा कि हम जो इसकी वाइड है उस पर कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ जो हाइट है उसी पे चेंजेस होगा और एंकर पॉइंट हम इसका अपर्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे उतना ही एरिया आ गया जितना इस इमेज का था। और इस फ्लिप वर्टिकल इमेज को सेलेक्ट करके नीचे ले आएंगे, यहाँ से ऑटो सेलेक्ट पे हटा देंगे और फ्लिप वाली इमेज जो है उसे नीचे ले आएंगे और एडिट मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्म करेंगे इसे हम वर्टिकली। और फिर उसके बाद हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रख देंगे वाटर और इसका बैकग्राउंड हम वाइट कर देंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद फिल्टर मेन्यू में जाके हम फिल्टर गैलरी में जाएंगे और यहाँ से स्केच फिल्टर में जाके हम हाफ टोन पैटर्न फिल्टर में जाएंगे और इसकी सेटिंग हम चेंज कर देंगे। यहाँ से इसका साइज़ हम 6 कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट इसका 4 ले लेंगे और पैटर्न टाइप इसका हम ले लेंगे लाइन। तो देख दोस्तों आप मेरी सेटिंग्स देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से साइज़ कॉन्ट्रास्ट और पैटर्न उसका लिया है। आप भी सेम एज इट इज़ यही पैटर्न लीजिए और ओके कर दीजिए और इसे सेव कर देंगे डॉट PHT की फाइल में, आप देख रहे हैं ओके और इसे हटा देंगे। फिर से फाइल मेन्यू में जाके ओपन करेंगे हम एक वाटर वाली फाइल। मैंने वाटर इमेज ओपन कर ली है और इसे इंपोर्ट करा देंगे। और इस इमेज को सबसे नीचे रख देंगे हम और फ्लिप वर्टिकल इमेज को सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, इसमें ब्लर फिल्टर मारेंगे, ब्लर में जाके मोशन ब्लर फिल्टर मारेंगे और इसके सेट एंगल लिख देंगे इसका 90 और जो उसकी डिस्टेंस होगी वो हम रख देते हैं 4। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका एंगल 90 और डिस्टेंस 4 रखी है और ओके कर देंगे। फिर से आप फिल्टर गैलरी में जाएंगे, डिस्टॉर्ट में जाके डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे और यहाँ से इसका जो वर्टिकल स्केल है उसे हम 0 कर देंगे और हॉरिजॉन्टल स्केल है उसे हम 4 कर देंगे और स्टेच टू फिट और रिपीट एज पिक्सल, आप देख सकते हैं मेरी सेटिंग्स और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों जो हमने वाटर वाली इमेज वो वाटर वाली PHD फाइल बनाई थी उसे हम इसे ओपन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें वाटर इफ़ेक्ट आ चुका है और यहाँ से इसकी ओपेसिटी जो है हम 75% कर देंगे ताकि लगे कि हाँ ये वाटर इफ़ेक्ट पूरी तरीके से है और इसे इमेज को हम सेव कर देंगे। सेव कर देंगे। तो देखिए दोस्तों कितनी आसान तरीके से आप वाटर रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट बना सकते हैं फ़ोटोशॉप में। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा जरूर दबाएं ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।